नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। खुला आटा, दाल, चावल, मखाने सहित अन्य अनाज पर 5% GST लगाने को लेकर ग्वालियर के व्यापारियों में आक्रोश है। इसी को लेकर आज ग्वालियर में व्यापारियों ने दाल बाजार बंद का आह्वान किया। आज सुबह से ही हर रोज की तरह गुलजार रहने वाले दाल बाजार में सन्नाटा है। दाल बाजार एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार ने जब GST लागू किया था तब वादा किया था कि खाद्य उत्पादन गेहूं, आटा, दाल, चावल आदि को कभी टैक्स के दायरे में नहीं लिया जाएगा। कोविड के बाद से लोग वैसे ही महंगाई और बेरोजगारी से अभी उभर भी नहीं पाए हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के कई ऐसे लाखों परिवार हैं जो अभी भी एक एक दिन के खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में लोगों पर टैक्स लगाकर केंद्र सरकार ने अब उनकी जेब ही नहीं बल्कि पेट पर भी चोट कर दी है। वहीं व्यापारियों ने कहा है कि अगर अपने फैसलों को वापस नहीं लेती है तो शहर को बंद और हड़तालें की जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा जनहित से जुड़ा हुआ है जिससे सभी वर्गों के लोग परेशान होंगे। आज ये धरना दिया गया है, क्या मांग है? केंद्र सरकार द्वारा दाल, चावल, पुआ, आटा, मैदा, रवा, जरूरी जो वस्तु है गरीब जनता की, उस पर 5% GST लगाया गया है। मतलब 100 रुपये दाल पे 5 रुपये GST लगाना, 5% 105 रुपये दाल 18 तारीख से मेरा चालू हो जाए, ये गलत है। सरकार की नीति गलत है क्योंकि जनता पहले से ही बहुत परेशान है, करारों काल से परेशान है। इसको तत्काल प्रभाव से 5% हटाना चाहिए, नहीं तो दाल 1 रुपये की चीज़ 105 में कहेगी, वो एक न्याय नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। ऑल इंडिया बंद के समर्थन में दाल बाजार बंद रखा गया है। जो भी रणनीति आगे की तय होगी वो हम आपको सूचित करेंगे। क्या अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आप क्या किस तरह का कदम उठाएंगे? अगला कदम जो ऊपर से आदेश आएगा वो आगे करेंगे। क्या नाम है अपना? गोकुल वंशल, अध्यक्ष, दाल बाजार व्यापार समिति।